कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन है वो स्क्वायर रूट और परसेंटेज से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो वीडियो के एंड में आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। ज़्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन ना हमेशा गलत होता है, लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपका ये वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको छोटी छोटी दो बातें बता दूं। सबसे पहली बात यह है, देखो परसेंटेज का जो मीनिंग है, परसेंटेज का जो मीनिंग है वो क्या है, आउट ऑफ परसेंटेज है ना, पर का मतलब है आउट ऑफ और सेंट का मतलब होता है 100, है ना। तो यानी कि अगर मैंने 25% लिखा है, यानी कि 25 out of 100, पहली बात तो ये परसेंटेज का मीनिंग। दूसरी बात, मान लीजिए किसी क्वांटिटी को, मान लीजिए 3 था, मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से डिवाइड और 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, हमारी परसेंटेज में होगी, क्या होगी, परसेंटेज में होगी। 3/100 जो है वो हमारा हो गया 3%, और ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया हमारा 300%। क्लियर है बात? उम्मीद करने हैं इतनी बात आपको क्या आ गई है, समझ आ गई है। एक बात और समझ लो, मान लो मैंने ऐसा लिखा हुआ है, इस बात को और क्लियर कर लेता हूँ। मान लो मैंने लिखा हुआ है 20/100, बाय में 100 होने का मतलब है ये है 20%, क्या है 20%। क्लियर है बात? यानी कि बाय में 100 होना जरूरी है, बाय वाला 100 इस परसेंटेज को क्या करता है, डिनोट करता है। मान लीजिए मैंने लिखा 5 परसेंटेज में, अगर यहां 5/100 लिखा हुआ है पहले से तो ये हो गया हमारा 5%। मान लीजिए मैंने सिर्फ 3 लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज में करना है, जैसे भी मैंने अभी थोड़ी देर वीडियो में बताया, तो 100 यहाँ होना ज़रूरी था, यहाँ लाने के लिए इसी से मल्टीप्लाई, इसी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये वाली बात होगी परसेंटेज, ये हो गया परसेंटेज 3, और इस 100 की वजह से 2 0 यहाँ पर आ जाएंगी। क्लियर बात? तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये वाली बात आपको समझ आ चुकी है। अब क्योंकि ये बात समझ आ चुकी है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है, आओ क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला है, हम बात करेंगे इस वाले को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये है 25%, कितना है 25%, क्या कहा था 25/100, स्क्वायर रूट 25 का बच्चा जानता है, 500 का 10, क्लियर है। तो ये सॉल्व होके जो आ गया वो 41% प्लस 14% प्लस 5/10, 10 आएगा, ये 100 नहीं आएगा, है ना, ये 10 आएगा, क्योंकि 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 10 होगा, है ना, 10 हो जाएगा, 5/10, तो ठीक है 5/10। ये परसेंटेज है तो ये भी किसमें होना चाहिए, परसेंटेज, तभी हम दोनों को क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे, ठीक है। ये परसेंटेज होने के लिए मैंने कहा था यहाँ 100 होना ज़रूरी है, 10 यहाँ लगाने के लिए, इसलिए 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब ये वाला 100 जो है वो परसेंटेज को डिनोट कर रहा है, तो ये हो गया 50%, कितना हो गया 50%, ये 41 प्लस 14% प्लस 50%, क्योंकि ये वाला जो 100 है इसने तो परसेंटेज को डिनोट कर दिया, है ना, ठीक है, ओके। अब 50% प्लस 40%, तो ये हो गया 64%, कितना हो गया 64%, 41% प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 64%, क्लियर है। अब 64% को जब मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे लिखूंगा, 64/100, तो ये हो गया 8/10, ठीक है, ये हो गया 8/10, ठीक है भाई, 41% प्लस 8/10। अब दोबारा से परसेंटेज के लिए, 10 यहाँ लगाई, 10 यहाँ लगाई, ये वाला 100 किसको डिनोट करेगा, तो ये डिनोट करेगा आपका परसेंटेज को, ठीक है, परसेंटेज को डिनोट करेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अब हम 80%, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 41% प्लस 80%, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 121%, 121 को लिखा 121/100, 121 11, 110, अगर इसको परसेंटेज में, अगर यही ऑप्शन में है तब तो यही ठीक है, अगर परसेंटेज में करना है तो 10 यहाँ 10 यहाँ, तो 110% जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 110%। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है, क्योंकि आपको समझ आ गया है तो आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।